दोस्तों, अगर आप एक यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं सो आज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के पार्ट 10 के बारे में एंड हम जानेंगे कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं एंड कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है आपके लिए। सो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा एंड चैनल पर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसी ही प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोज़ एंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोज़ आपको रेगुलर मिला करती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोशन और स्वागत है आप सभी का पांडित्य टेक्निकल में। दोस्तों, टॉपिक हमारा कुछ ऐसा है कि टॉपिक का हमारा नाम है चालक से संबंधित तथ्य, ठीक है, फैक्ट्स रिलेटेड टू द कंडक्टर, ठीक है। ये टॉपिक जो है वो हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ फार्मूले की और कुछ फार्मूला हम ट्रिक की सहायता से भी याद रखेंगे, ठीक है। पहला फार्मूला हमारा ये है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए कई बार फार्मूला पूछ देता है और दिया क्या रहता है, दिया रहता है हमारा आवेश और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश रहता है क्यू और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश रहता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम वो हमारा दिया रहता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए पूछ देता है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्यू अपॉन ई होता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को एन से प्रदर्शित करते हैं तो एन इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया, क्यू अपॉन ई। तो क्यू इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, एन इंटू ई। तो इस फार्मूले को आप ध्यान में रखिएगा, इससे काफ़ी बार आपके न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, ठीक है, कि आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ देगा या फिर इलेक्ट्रॉन पे आवेश पूछ देगा और ये दो चीज़ें दे देगा तो आपको निकालना पड़ेगा इस चीज़ को, ठीक है। तो ये हमारा पहला फार्मूला है, इससे काफ़ी बार आपके एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। दूसरा चीज़ हमारा ये है, दूसरा समझने वाली बात ये है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या ये होती है, ये हम ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तीसरा चीज़ ये है कि परमाणु क्रमांक अथवा परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या होती है, तो ये भी हम बात ध्यान में रखेंगे। और एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या चेंज भी हो सकती है, क्योंकि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं किसी परमाणु से तो आपके ऊपर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है या फिर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन अगर दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आ जाती है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो है वो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इससे कई बार आपके एंट्रेंस में क्वेश्चन बन चुके हैं कि तत्व का परमाणु भार बराबर परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि परमाणु भार को हम क्या लिख सकते हैं, परमाणु भार बराबर परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, यानी कि पभ बराबर पस प्लस नस, ठीक है। इस चीज़ से आप इस ट्रिक की सहायता से याद रख सकते हैं कि पभ बराबर पस प्लस नस। देखिए, इस चीज़ को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो ये इतने लॉन्ग फार्मूले को आप बहुत आसानी से भी याद कर सकते हैं, या फिर अगर डिजिट के रूप में भी अगर आप याद करें एक्स और वाई के रूप में, तो देखिए परमाणु भार को अगर हम एक्स माने, परमाणु संख्या को वाई माने और न्यूट्रॉनों की संख्या को जेड माने, तो हम क्या लिख सकते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि फार्मूला होता है परमाणु भार बराबर परमाणु क्रमांक यानी कि परमाणु संख्या और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, तो चूँकि हमने परमाणु भार को एक्स माना है तो एक्स इक्वल्स टू परमाणु संख्या यानी कि परमाणु क्रमांक को हमने वाई माना है तो एक्स इक्वल्स टू वाई और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को हमने जेड माना है तो जेड। तो फाइनली हमारा क्या फार्मूला हो गया, एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस जेड, जहाँ पे एक्स परमाणु भार को निरूपित कर रहा है, वाई परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक को निरूपित कर रहा है और जेड जो है वो न्यूट्रॉनों की संख्या को निरूपित कर रहा है। तो ध्यान रखने वाली बात आपको है, आप जो है वो इसे ध्यान में रखिएगा ताकि आपका जो है वो किसी भी चीज़ में डाउट ना रहे। सो यही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी, ठीक है दोस्त। एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप अपने बुक में देख सकते हैं, या फिर मैं एक बार और क्वेश्चन आपको किस टाइप से पूछेगा ये बात करूं तो देखिए दे देगा आपका कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है, उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या इतना है, तो तत्व का परमाणु भार बताइए। तो आपको इस फार्मूले की सहायता से निकाल लेना पड़ेगा, कौन से फार्मूला जो हमने ट्रिक से याद की है, पभ बराबर पस प्लस नस, ठीक है, यानी कि परमाणु भार बराबर परमाणु संख्या यानी कि परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या,
ठीक है, तो इस फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। और एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देगा कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, उसमें प्रोटानों की संख्याएं बताइए, तो इस फार्मूले की सहायता से भी आप ज्ञात कर सकते हैं कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटानों की संख्या। तो इस चीज़ से भी आप कह सकते हैं कि उस तत्व में 17 प्रोटान हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, इससे बहुत बार क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में पूछे जा चुके हैं एंड ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो दोस्तों, यही कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपको क्लियर करनी थी। कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके, एंड अगर वाकई में आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।